नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। आज हम आए हैं सिग्मा फोर के बारे में बताने आए हैं कि कैसा सेक्टर है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि 130 मीटर के ऊपर है और इसके अंदर 3-4 सोसाइटियाँ भी हैं और इसके साथ बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्टें हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हमेशा अच्छा माहौल रहेगा। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ पे प्लॉट लेने का क्या फ़ायदा है। एक तो इसके अंदर पार्क है, कॉम्प्लेक्स है और इसमें 3 तरह के मेन प्लॉट हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लॉट का साइज़ है 220 मीटर और 220 मीटर के मैं साइज़ आपको दिखा देता हूँ कि कैसा माहौल है। ये देखिए जी, ये यहाँ पे 220 मीटर वाले प्लॉट हैं। 220 मीटर का जो रेट है आज की डेट में 1,10,00,000 है 220 का। और ये 6 महीने पहले लगभग ये 80-85 का मिल रहा था। अब रेट जो बढ़े हैं वो ग्रेटर नोएडा में 120 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। बड़े प्लाटों में रेट बढ़े हैं, शायद ग्रेटर नोएडा में कुछ दूसरे जगह के फाइनेंसर आ गए हैं यहाँ पे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जो मार्केट में जो भी डील होती है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो लगता है कि शायद कोई यहाँ पे शहर में कोई माफिया आ गया है जो कि रेट बढ़ा रहा है। अब उसका मकसद यही है कि कुछ टाइम बाद यहाँ का रेट 1,00,000 रुपये मीटर हो जाए, क्योंकि अभी 50 से 60 हज़ार के बीच में तो आ ही गया है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर है 220 मीटर सिग्मा फोर के अंदर। और जो बने कैसे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये तो सारा जाड़ झुंबड़ है, जाड़ झुंबड़ में अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ है 220 मीटर के अंदर। और जाते भी डर लगता है कि सांप बिच्छू ना मिल जाए कोई। ये देखिए जी, ये तो किचन होगी 220 मीटर के अंदर सिग्मा फोर के अंदर। किचन बिल्कुल गेट के सामने है कि कोठी में कोई भी आए तो आपको पता चल जाए। पहले घर ऐसे ही बनते थे कि कोठी में घुसते ही। वैसे घर बड़ा शानदार है और बहुत ही एरी है। और ये बहुत बड़ा बगीचा बनाने की जगह है, यहाँ पे बगीचा बना सकते हैं। और ये दो बड़े बड़े कमरे, इस कमरे का साइज़ होगा 20x20 ही होगा, हाँ 20x20 के आसपास का साइज़ दे रखा कमरे का। और इसमें 7 बहुत बड़ा लेटरिन बाथरूम अटैच है, इस कमरे से भी अटैच है। और कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट भी इसे यूज कर सकता है। और साथ में छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है। और ये पीछे ये कमरा तो मास्टर बेडरूम तो और भी बड़ा है, ये तो 25x25 का होगा, ये तो हॉल टाइप लग रहा है। और इसी के साथ ये एक स्टोर यहाँ पे और ये लैटरिन बाथरूम। तो ये सिग्मा फोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे वैसे ये सरकारी बने हुए विला। वैसे मैं काफ़ी विला में गया हूँ, ये विला ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा ठीक ठाक करवा लो, ठीक ठाक में भी लग जाएंगे, 5 लाख रुपए तो कम से कम लग जाएगा। और यहाँ अगर आबादी हो जाए तो इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। तो बहुत ही शानदार विला बने हुए सिग्मा फोर के अंदर। ये ऊपर जाने को सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, विला के ऊपर जाना हो तो। अभी तो काफ़ी बुरा हाल है। सिग्मा फोर के अंदर 220 मीटर के मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सरकारी विला बने हुए हैं। ये देखिए जी, ऊपर पानी का टैंक रखने को स्टैंड बना हुआ है। और अभी तो यहाँ लेबर रह रही है, ये खाली पड़ी है। पीछे से ये आपका वॉशिंग एरिया या लॉन हो गई, ये सारे फिलहाल खाली हैं। कोई कोई घर बना है जो तोड़ के पूरा बढ़िया से बनाया है। और यहाँ पे एक घर बना हुआ है जिसमें पुलिस वाले रहते हैं, उन्होंने पूरा कटीली तार से सेफ्टी मेजर पूरे किए हुए हैं। पीछे इसके सरकारी गवर्नमेंट के फ्लैट हैं और इसके साथ बाहर भी ग्रीन बेल्ट है। तो ये आप देख रहे हैं,
इनकी रेट वही है 1 करोड़ 10 लाख, 1 से 1 करोड़ 10 लाख के बीच, 220 मीटर के विला। और चोर बड़े शानदार हैं, देखिए यहाँ ग्रिल थी, यहाँ तो लगी हुई है, और यहाँ की ग्रिल लोग उखाड़ के ले गए। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी भारत महान, बोलो भारत माता की जय। तो चलो भी सीधा ही पार हो जाए बंदा। देख लो जी, ग्रेटर नोएडा में अब अमीरों का शहर बनता जा रहा है। रेट तो यहाँ डेली बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरह। जैसे स्टॉक मार्केट शुरू हुई, जब टूटी थी आम मार्च के अंदर 2020 में, तो शायद 8-9 हज़ार पहुँच गई थी, अब 60 हज़ार को टच कर रही है। वही हालत यहाँ है, जो 80 लाख में कोई ले नहीं रहा था, 80 लाख का माल एक साल पहले अब 1 करोड़ 20 लाख में आसपास है, और ये उस वक्त मान के चलो एक साल पहले 60-65 लाख के होंगे। तो ये हमने विला देखे, बाहर से विला देखने में ऐसे हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ट्यूबलाइट ओके, टेलीफोन लाइन ओके, गैस ओके, सीवरेज ओके, सारा कुछ ओके है। यहाँ पे लोग नहीं है, बस यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस लोग कहीं से बुला के डालने वाले हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। ये देखिए नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, नीम के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं आंवले लगे हुए हैं। सर वैसे बहुत हवादार है ये, काफ़ी एरी है। मुझे मतलब कि विला, ये ऐसा विला मैं इसमें देख के आया हूँ, तो बहुत अच्छा एरी बना हुआ है। हाँ बने अच्छे, हाँ स्पेस बहुत है, पर बात वही है कि बल्कि पता नहीं कहीं से ज़मीन ही मिलती, कहीं आसमान ही मिलता। पूरे देश में लोगों के पास घर नहीं है, और यहाँ पे ऐसा है कि घर कोई पूछ नहीं रहा। देखो घर, देखो जैसे यहाँ कुत्ते नहीं मूतरे, इसमें कुत्ते नहीं मूतरे, और पूछो ये कितना करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, कितनी हैरानी वाली बात है। बस यही है सारा इन्वेस्टरों के कारण ही तो सारा बेड़ा गर्क होता है। अगर जानून बंदे होते तो सब में फैमिली रह रही होती। तो देखिए जी, हम अभी हैं सिग्मा 4 के अंदर, साइज 220 मीटर, और आज की रेट में डीलर इसका मांग रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो ये आज हम इस लेन में आए थे, एस्टोनिया स्टेट, प्लॉट नंबर C149-145, और इसके पीछे 130 मीटर की वाइड रोड है जो कि नोएडा से आती है और आगे यमुना एक्सप्रेसवे को अभी आगे लिंक हो जाएगी, ये वो रोड है। और ये यहाँ का माहौल है, पूरी शांति है, दूर दूर तक ना चिड़ी का बच्चा, दूर दूर तक शांति है जी। ठीक है जी, तो ये हम आपके लिए वीडियो लाए, और आज की डेट में नवंबर 13 2021 को जो रेट हैं फिर बढ़े हैं, और कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। थोड़े दिनों बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, तो रेट फिर जंप मारेंगे। चलिए जी, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।